हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर ब्लॉग। तो आज हम जाएंगे मीर कासिम की सुरंग और उसी पे कुछ बातचीत करेंगे और वहीं का ब्लॉग बनाएंगे। ये जो रेड दीवार आप देख सकते हैं, ये मुंगेर जेल की दीवारें हैं। ये बहुत लंबी जेल है और ये वॉच टावर है, एक यहाँ पे एक आगे की साइड है। दोनों पे एक एक गार्ड बैठे हैं। ये जो हमारे लेफ्ट में गार्डन दिख रहा है आपको, इसी के अंदर मीर कासिम का सुरंग है। ये आप देख सकते हैं, यहीं पे दो मीनार है छोटा छोटा और ये सीढ़ी, इसी से अंदर जाएंगे तो दिखेगा। यहाँ पे आप ऊपर की साइड में दो मज़ार देख सकते हैं। हम लोग जब अंदर जाएंगे तो इसके बारे में भी बात करेंगे। और ये रहा इस गार्डन का मेन गेट, और इस गार्डन का नाम है श्री कृष्ण वाटिका। तो अब यहाँ से तो हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ये गेट अभी लॉक है। आगे से चलते हैं। इस गेट के सामने आप देख ही सकते हैं योगाश्रम का कुछ हिस्सा है। यहाँ योगाश्रम का कुछ प्रोग्राम वोग्राम होता है। और नीचे की साइड आप देख सकते हैं नाव लगी हुई है। हमारे मछुआरे भाई यहाँ पे मछली पकड़ने आते हैं। चलिए अब हम अंदर की तरफ चलते हैं। और आप देख ही सकते हैं अभी तो यहाँ बहुत ही अच्छा साफ़ सफाई हुआ हुआ है। कुछ दिन पहले, मतलब 6-7 महीना पहले जब मैं आया था लॉकडाउन से पहले, यहाँ मतलब इतना अच्छा साफ़ सफाई नहीं था। और सामने की तरफ आप देखिएगा, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं एक्सरसाइज के, ये पहले नहीं थे। तो सामने जो आप दो छोटे छोटे मीनार देख सकते हैं, यहीं से रास्ता है नीचे जाने का। और ये है मीर कासिम का सुरंग। इसका मतलब दो मुंह है जैसा हम लोग सुनते आ रहे हैं। एक तो शायद पिल पहाड़ पे खुलता है और एक डकरा नाला के पास। और नीचे देख सकते हैं आप बहुत सारा कचरा वचरा हो गया है, यहाँ से पानी भी आ गया है गंगा नदी का। ये जो सुरंग है अभी तो बहुत ज़्यादा गंदा है, नीचे बहुत सारा पत्ता और कचरा है। चलिए नीचे चलते हैं और देखते हैं। इसका शायद मुंह भी अब शायद बंद हो चुका है, एकदम थोड़ा सा ही खुला है। इसका मेन मकसद था बनाने का कि इसके सैनिक मतलब बिना किसी के नज़र में आए, मतलब कोई भी ब्रिटिश के नज़र में आए, बिना अपना कहीं भी जा सके, अपना कोई भी काम कर सके। और मतलब मीर कासिम पे जब ब्रिटिश ने हमला किया था ना, तो ये लोग मतलब इधर ही से भाग गए थे अपने वाइफ और बेटे को छोड़ के। ये मीर कासिम के वाइफ और बेटे का मज़ार। वाइफ का नाम था प्रिंसेस गुल और बेटे का नाम था प्रिंस बहार।
ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पे जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना।